मालती जोशी जी की लिखी कहानी निर्वासित कर दी तुमने मेरी प्रीत। रात बड़े भैया का फोन आया था। रुधे गले से उन्होंने बस इतना कहा था, सुम्मी दिव्या नहीं रही। बस एक वाक्य और फोन चुप हो गया था। मैं भी निर्निमेष उसे देखते हुए काठ होकर रह गई थी। दिव्या नहीं रही, दिव्या जो जीवन का, सौंदर्य का, उल्लास का, उमंग का प्रतीक थी, वह नहीं रही। यह कैसे हो सकता है? सचमुच हरदम हंसती खिलखिलाती ठुमकती मचलती दिव्या को मृत्यु के साथ जोड़कर देखना बड़ा कठिन लग रहा था। पर यह मजाक तो नहीं हो सकता, ऐसा क्रूर मजाक, और वह भी बड़े भैया क्यों करेंगे। इस धक्के से उबरने में मुझे कोई आधा घंटा लग गया। जब मन थोड़ा स्वस्थ हुआ तो मैंने ही फोन लगाया। इस बार लाइन पर छाया थी। ठीक तो है, वही तो सबसे पास है, दौड़कर पहुंच गई होगी। वह भी बुरी तरह टूटी हुई थी। सुबकते हुए उसने जो कुछ बताया उसका सार यह था कि दिव्या ने अपनी लैब की 17वीं मंजिल से छलांग लगा दी थी। उसके प्राण पखेरु तत्क्षण ही उड़ गए थे। अब यह पता लगाना मुश्किल है कि यह आत्महत्या है या मात्र दुर्घटना। हत्या की संभावना को भी एकदम नकारा नहीं जा सकता। ये तीनों ही संभावनाएं मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही थी। उसने तो अपनी पसंद से यह करियर चुना था और अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ सपनों के देश में बसने चली गई थी। शादी को अभी मात्र 3 साल ही तो हुए हैं। इतनी जल्दी कोई इतना हताश हो सकता है? और उसकी हत्या भला कोई क्यों करेगा? क्या उस जैसी निश्चल सरल लड़की से भी किसी की दुश्मनी हो सकती है? और दुर्घटना का तो सवाल ही नहीं उठता। वह तो अपनी सहकर्मी से कहकर गई थी कि वह फ्रेश एयर लेने ऊपर जा रही है। फ्यूनरल कब है, कहाँ है, मैंने दबी जबान से पूछ लिया। दिव्या जैसी लड़की के फ्यूनरल की कल्पना तक सहरा देती है, पर औपचारिकता है, पूछना ही पड़ा। फ्यूनरल तो बुआ वहीं हो गया, यहां लाने लायक स्थिति नहीं थी। चित्रा और अंकित गए हैं, मैं तो, और वह चुप हो गई। समझ गई कि देवी जी फिर से उम्मीद से है। चित्रा की शादी में मिली थी तब एक बेटी थी, दूसरी की तैयारी थी। दिव्या की शादी में देखा 2 कन्याएं हैं, तीसरे की आहट है, और अब यह चौथे की सूचना है। इस बार भी बेटी ही हुई तो? उस मन स्थिति में भी मुझे छाया पर खींच हुआ आई। अच्छा, मैं कल रवाना हो रही हूं, भैया भाभी का ख्याल रखना, मैंने कहा और फोन रख दिया। फिर एक फोन योगेश्वरी ट्रेवल्स को किया कि कल किसी भी गाड़ी में मेरा आगरा के लिए रिजर्वेशन करवा दे। इस उम्र में अब धक्के खाते हुए जाने की हिम्मत नहीं होती। रात में ही मैंने सूटकेस जमा कर रख लिया। कल जिस भी गाड़ी में सीट होगी निकल जाऊंगी। सब समेट कर सोने गई तो 12:30 बज रहे थे, पर मेरी आंखों में नींद का नाम नहीं था। एक मन हुआ पम्मी को फोन कर लूं, पर घड़ी देखकर अपने को रोक लिया। वैसे भैया ने वहां फोन तो कर ही दिया होगा, वह भी मेरे आगे पीछे ही पहुंचती होगी। मुंह से जैसा चाहे उल्टा सीधा बोलती रहे, पर ऐसे समय में सब कुछ भूलकर दौड़ी चली आएगी, मुझे विश्वास है। इस समय हम दोनों का वहां होना बेहद जरूरी है। भाभी रो रो कर बेहाल हुई जा रही होगी। भैया को सांत्वना देने वाला कोई नहीं होगा। अम्मा के बाद उस घर से संबंध थोड़े औपचारिक हो गए थे। जब तक अम्मा थी तब तक तो मैं हर छुट्टी में घर पहुंच जाती थी, इसलिए लड़कियां भी मुझसे हिली हुई थी। खासकर दिव्या के लिए तो मैं फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड थी। पर अम्मा के बाद सब कुछ बदल गया। अम्मा की 13वीं पर ही मैंने भाभी को किसी से कहते सुना था, अरे एक सास मर गई तो क्या हुआ, दूसरी तो अभी बैठी है। वे तो बेचारी खटिया से लगी थी, पर यह तो खासम खास है, अभी पता नहीं कितने दिनों तक और राज करेगी। अपने स्नेह की ऐसी अवमानना देखकर मन खट्टा हो गया था। तब से मैंने घर जाना छोड़ दिया था। या तो पम्मी के यहां कुछ दिन चली जाती, या फिर किसी यात्रा कंपनी के साथ भारत भ्रमण पर निकल जाती। भैया के यहां तो बस लड़कियों की शादी या सगाई में जाना होता था, इसलिए दिव्या की जो आखिरी छवि मेरे मन में अंकित थी वह नववधू की ही थी। शादी के तुरंत बाद वह तो अमेरिका चली गई थी, उसके बाद शायद एकाध बार ही आई हो। रात भर दिव्या का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहा, उसके कई रूप याद आते रहे। यूं तो तीसरी बेटी के जन्म पर घरों में मातम छा जाता है,
पर जब नर्स ने वह जापानी गुड़िया हाथों में थमाई थी तो क्षण भर को अम्मा भी अपनी हताशा भूल गई थी। वह लड़की घर भर की आंखों का तारा थी, खिलौना थी। घर और बाहर उसने इतना प्यार बटोरा था कि पूंजी के सहारे वह 7 जन्म जी लेती, इसलिए तो उसकी आत्महत्या की बात गले नहीं उतर रही थी। किसी तरह ठेल ठाल कर मैंने अपने को ट्रेन में चढ़ाया था। अम्मा के बाद से घर जाने का उत्साह ही खत्म हो गया था। फिर भी शादी ब्याह में जाते समय उत्साह ने सही एक उत्सुकता तो रहती ही है, पर इस बार तो यह सफर पहाड़ सा लग रहा था। वक्त काटने के लिए मैं पिछली यात्राओं को याद करना शुरू कर दिया। सबसे पहले छाया की शादी याद हो आई। मैं और पम्मी करीब करीब साथ ही पहुंचे थे। शादी में अभी 4-5 दिन बाकी थे, पर घर अभी से गोदाम बन गया था। पीछे वाला बरामदा तो बोरियों से अटा पड़ा था। कमरों में बिखरा हुआ सामान भी अपने लिए मुनासिब जगह तलाश रहा था। हमें लगा कि इस महासागर में अगर हमारी अटैचियां खो गई तो ढूंढे नहीं मिलेगी। नहा धोकर हम लोग सुस्ता ही रहे थे कि एक तोंदियल सा शख्स दाखिल हुआ। आंटी, आपकी लिस्ट के अनुसार सारा सामान भिजवा दिया था, मिला लिया था। बाकी सामान तो आ गया, पर शायद बासमती का कट्टा नहीं पहुंचा। आप क्या पंगत में बासमती परोसेंगी? आंटी जी, गोल्डन सेला चलने दीजिए, आजकल सब जगह रिसेप्शन में यही चलता है। मुकुंद, पंगत में जो तुम्हारा जी चाहे बनवाना। मैं तो घर के लिए मंगवा रही थी, अब साल भर तीज त्योहार चलते रहेंगे, दामाद का समधियों का आना जाना लगा ही रहेगा, उन्हें क्या सेला चावल खिलाऊंगी? अभी ले आऊं या बाद में लाने से चलेगा? बाद में ले आना, अभी ले आते तो लगे हाथ साफ सूफ करके गोलियां डाल के रख देती। जी अच्छा, कहकर जब वह मुकुंद नामक प्राणी चला गया तब मैंने पूछा, आजकल गोपालदास के यहां से सामान नहीं आता क्या? या कि यह है उन्हीं का आदमी है? क्या बात करती हो, भाभी झल्लाई, ये तो इनका स्टूडेंट है, फाइनल में है, इंग्लिश में एमए कर रहा है। पम्मी हिचुकी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे तो लगा जैसे सीधे किराने की दुकान से उठकर चला आ रहा हो। उसकी दुकान है, शहर का सबसे बड़ा किराना मर्चेंट है उसका बाप। मुझसे बोला कि इस बार छाया दीदी की शादी का सामान हमारे यहां से लीजिए। हमने कहा ठीक है, हमें क्या कहीं भी पैसे देने हैं? यहां न दिए वहां सही, ये पैसे देंगी? पम्मी फुसफुसाई। मैंने बड़ी मुश्किल से चिकोटी काट कर उसे चुप किया। फिर विषय बदलने की गरज से भाभी से कहा, हमें होने वाले दामाद की फोटो तो दिखाइए, हमने सुना है कि वे भी भैया के स्टूडेंट थे। हाँ, पिछले साल ही तो फाइनल किया है, गोल्ड मेडल लिया था। अच्छा, अब PhD कर रहे हैं, मुरादाबाद में लेक्चरर हैं। भाभी फोटो लेने भीतर चली गई तो पम्मी ने कहा, कन्यादान के लिए गोल्ड मेडल की वरदक्षिणा, सौदा कोई बुरा नहीं रहा। क्यों दीदी, तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? चुप कैसे रहूं दीदी, मुझे तो यह चिंता खाए जा रही है कि इस साल अगर इस मोटुमल की पोजीशन आ गई तो बेचारी चित्रा की जिंदगी तबाह हो जाएगी। पम्मी की बात पर हंसी भी आई और गुस्सा भी। अच्छा हुआ भाभी फोटो लेकर प्रकट हो गई, बात वहीं दब गई। हम लोग फोटो का मुआयना कर रहे थे कि एक सुदर्शन सा नवयुवक एक मिस्त्री टाइप व्यक्ति के साथ मंच पर अवतरित हुआ। आंटी जी, आप इलेक्ट्रिशियन के लिए कह रही थी, ले आया हूं, क्या क्या काम करवाना है बता दीजिए। सामान ले आए? कैसा सामान? एक तो बिजली के झालरें चाहिए, पूरे कंपाउंड में मकान में लगेगी। 2 ठो बड़े पंखे चाहिए, एक बरामदे में लगेगा और एक छत पर। 2 ठो पंखे और 2 कूलर जनवासे में भी लगेंगे। हाँ, वहां एक रंगीन टीवी भी चाहिए। दूसरे दिन इतवार है, वे लोग महाभारत देखेंगे और देखो एक बड़ा फ्रिज 2 दिन पहले से ही यहां आ जाए। हलवाई ने कहा है कि बंगाली मिठाई फ्रिज में ही रखी जाएगी। वह लड़का मुंह बाएं भाभी की फरमाइशें सुनता रहा, फिर धीरे से बोला, ये सब सामान कहां से आएगा?
अब यह भी मैं बताऊंगी, अजीब आदमी हो। हाथ हिलाते चले आए। सामान नहीं होगा तो इस बिजली वाले का मैं क्या अचार डालूंगी। लड़का अपना समूह लेकर बाहर चला गया, साथ में वह मिस्त्री भी। पम्मी एकदम पूछ बैठी, भाभी क्या यह भी स्टूडेंट है? हाँ, क्यों? तो इस साल इसे ही गोल्ड मेडल दिलवा दीजिए। क्यों? उस समय पता नहीं कहां से चित्रा कमरे में टपक पड़ी। पम्मी की उससे कभी नहीं बनी। इस बार भी पम्मी को अपमानित करते हुए कसेले स्वर में बोली, उसे तुम्हारी सिफारिश की जरूरत नहीं है छोटी बुआ, आलोक हमेशा से टॉपर रहा है। चित्रा शायद सेफ की चाबी लेने आई थी, लेकर चली गई, पर वातावरण को बड़ा असहज बना गई। मैंने वातावरण को थोड़ा हल्का बनाने की कोशिश करते हुए कहा, दरअसल भाभी लड़का इतना सुंदर है कि हमें लगा चित्रा के साथ उसकी जोड़ी खूब जमेगी। अरे सुंदर है तो क्या सिर पर बिठा लें? भाभी ने हिकारत से कहा, न जात का न बिरादरी का, वैसे भी चित्रा के लिए तो हम कोई डॉक्टर या इंजीनियर ही ढूंढेंगे। वो तो छाया का रंग थोड़ा दबा हुआ था तो हमने सोचा कि चलो प्रोफेसर ही सही। हाँ सो तो है, प्रोफेसरों को तो कैसी भी बीवी चल जाती है। पम्मी किसी तरह बाज नहीं आ रही थी। मैंने उसे जबरदस्ती उठाते हुए कहा, चल थोड़ा लॉन में घूम लेते हैं, बैठे बैठे पांव अकड़ गए हैं, अब तो धूप भी कम हो गई है। बाहर आते ही मैंने उसे आड़े हाथों लिया, तुम्हारी जबान पर क्या कांटे उगाए हैं, जो एक बात भी सीधी नहीं निकलती। कुछ भी कहने से पहले कम से कम मेरा तो ख्याल किया करो। तुम्हारे पास तो अपना घर परिवार है, पर मुझे तो रिटायर होकर यहीं इन्हीं लोगों के पास आना है। कोई जरूरी है मेरे यहां भी तो आ सकती हो, बहुत संकोच हो रहा हो तो अपना नहीं जमा पूंजी मेरे छोटे के नाम कर देना, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी। मैं कोई माकूल सा जवाब सोच ही रही थी कि उसने कहा, दीदी उधर फाटक पर देखो। मैंने देखा आलोक नाम का वह शख्स अपने स्कूटर पर अब भी बैठा हुआ सड़क ताक रहा था। कमाल है, इतनी लताड़ खाने के बाद भी जनाब अब भी जमे हुए हैं। गोल्ड मेडल का सवाल है दीदी, शायद मिस्त्री को भेजकर सामान मंगवाया होगा। पर इस बार पम्मी का अंदाजा गलत साबित हो गया था। बाद में पता चला था कि बिजली का काम भी मोटूमल ने ही अंजाम दिया था। इस फिक्रे के साथ ही यह काम क्या उस घोचू के वश का है? उस समय आलोक को मिस्त्री का नहीं किसी और का ही इंतजार था। एकाएक वह सतर्क होकर खड़ा हो गया। एक साइकिल सड़क से सरपट आती हुई सर से फाटक के भीतर दाखिल हुई और उसके साथ साथ आलोक भी। वह दिव्या थी, स्कूल से लौटी थी। आते ही दोनों में तकरार शुरू हो गई। यह वक्त है तुम्हारा घर लौटने का, घड़ी देखी है? उफ़, नाराज क्यों होते हैं? एक्स्ट्रा क्लास थी आज फिजिक्स की। फेंको मत, जुलाई में कहीं एक्स्ट्रा क्लास लगती है? लगती है बाबा, हमारे यहाँ 10th और 12th के लिए वीक में दो बार लगती है, उसने रुआसी आवाज में कहा। और आप अभी जाना मत, मैं अभी तैयार होकर आई। कहाँ जाना है? मार्केट। और कहाँ? चूड़ियाँ लेनी है, मेकअप का सामान खरीदना है, टेलर के यहाँ से लहंगा उठाना है। तो जाओ जल्दी करो। जैसे ही वह मुड़ी उसने हम लोगों को देखा। अरे आप लोग कब आई? आलोक दा, ये दोनों मेरी बुआ हैं, ये सुमी बुआ और ये पम्मी बुआ। उसने शालीनता से हाथ जोड़ दिए। दिव्या ने हमारे पाँव को हल्का सा स्पर्श किया और भीतर भाग गई। जाते हुए फिर एक बार आलोक को रुकने के लिए जता गई। ऐसा शायद पहली बार हुआ था कि उसने मेरा इतना औपचारिक अभिवादन किया हो, नहीं तो वो तो बस लिपट जाती थी, झूम जाती थी, मचल जाती थी कि अभी सूटकेस खोल कर दिखाइए कि हमारे लिए क्या लाई हैं। थोड़ा बुरा तो लगा, पर मैंने मन को समझा लिया कि दिव्या अब बड़ी हो गई है, बच्ची नहीं रही। और सचमुच जब वह तैयार होकर बाहर आई तो मानना पड़ा कि वह बड़ी हो गई है। स्कूल यूनिफॉर्म में गुड़िया सी दिखती दिव्या सलवार सूट में एकदम आकर्षक युवती लग रही थी। वह बाहर आई तो भाभी भी साथ थी, दोनों में खूब चकचक हो रही थी। मुझे देखते ही दिव्या बोली, अच्छा बुआ
फंक्शन में एकाध दिन लिपस्टिक लगाने में कोई फर्ज हर्ज है? मैं भाभी का मूड देखकर जवाब सोच रही थी कि भाभी ही बोल उठी, अरे जब एकाध बार ही लगानी है तो अलग से खरीदने की क्या जरूरत है? अजब तमाशा है, तीनों का सामान अलग आएगा। बड़ी तो खैर दुल्हन है, पर ये दोनों तो साझे में काम चला सकती हैं कि नहीं? एक हमारा जमाना था, घर में एक पाउडर का डिब्बा आता था, घर भर लगाता था। हमारा आपका जमाना बहुत पीछे छूट गया भाभी, हमारे यहाँ तो वह इकलौता पाउडर का डिब्बा भी बाबूजी से छुपा कर लाना पड़ता था, नहीं तो घर में महाभारत मच जाता था। तब तक आलोक और दिव्या फाटक तक पहुंच चुके थे। आलोक ने स्कूटर स्टार्ट किया और दिव्या उछलकर पीछे बैठ गई। उनकी आंखों से ओझल होते ही पम्मी ने एक विशिष्ट भंगिमा से मेरी ओर देखा। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही भाभी ने उसका मतलब भांप लिया। तमक कर बोली, पम्मी जी ज्यादा चतुराई न झाड़ो, सुमी कुछ समझे न समझे, हम तुम्हारे इशारे खूब समझते हैं। बेटों वाली हो ना, इसलिए तुम्हारी नाक ऊंची है, हमें तो पग पग पर इन लड़कों का मुंह झोना पड़ता है। इस जमाने में लड़कियों को क्या कहीं अकेले भेजा जा सकता है? फिर तुम्हारे भैया तो हमेशा कहते रहते हैं कि तुम एक बेटे के लिए रोती रहती हो, तुम्हारे तो इतने बेटे हैं, इन्हें ही अपना समझो। कहते कहते उनका गला भर आया था। अनजाने ही पम्मी ने उनकी दुखती रग छू दी थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत किया जा सका था। इसके बाद मैंने पम्मी से कसम ली थी कि जितने दिन रहेगी शराफत से रहेगी, एक बार भी बदतमीजी की तो मैं उसी दम भोपाल लौट जाऊंगी। इसके बाद पम्मी ने तो शराफत ओढ़ ली, पर मेरी ही नजरें चोर बन गई। जब भी वे दोनों साथ होते मैं अनचाहे उनकी ही गतिविधियां नोट करती रहती थी। उस घर में आलोक की कोई हैसियत हो न हो, दिव्या के लिए उसका शब्द आदेश था। हर काम में हर बात में आलोक का सहयोग और सहमति आवश्यक थी। अल्पना के लिए आलोक का सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं तो वह उसे मिटाकर दोबारा बनाएगी। मेहंदी का डिजाइन वे पसंद करेंगे, दिव्या के चेहरे पर कौन सी हेयर स्टाइल फबेगी इसे भी वे ही तय करेंगे। कपड़ों का चुनाव तो उन्हीं को करना था, गरज यह है कि हर बात में उनकी मुहर का लगना जरूरी था। लेडीज संगीत वाले दिन की घटना याद आ जाती है, उस दिन दिव्या ने खूब रंग जमाया। मुझे तो पता नहीं था कि वह इतना अच्छा नाच लेती है, उस दिन बहुत सुंदर भी लग रही थी। किसी ने कहा, दिव्या तुम्हारा चुन्नी बेस मोरपंखी है ना, शादी वाले दिन लम्हे वाला डांस, बागों में मोर नाचे मजा आएगा। नहीं, एक गरज भी सुनाई दी, हम सब चौंक पड़े। तब तक हमें आलोक की उपस्थिति का एहसास ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि बरामदे में बैठा वही कैसे चला रहा था। शादी में कोई नहीं नाचेगा, उसने सख्त लहजे में कहा। क्यों, दिव्या ने इतरा कर पूछा, ये कोई फिल्मों का सेट है कि घर की लड़कियां नाचेगी? पता है ठेठ गांव की बारात है और गांव में नाचने वाली लड़कियों को अच्छी तरह नजर से नहीं देखा जाता, पर मेरे इतने महंगे सूट का क्या होगा? अपनी शादी पर पहन लेना, पर इस शादी में नाचवाच नहीं होगा, कह दिया। और सचमुच नाच नहीं हुआ और न ही दिव्या ने वह सूट पहना, पर उसने जो भी पहना था उसमें भी वह गजब ढा रही थी। देखने वालों की आंखें उस पर अटक जाती थी। आलोक को यह भी सहन नहीं हुआ, डपट कर बोला, तुम्हें दौड़ दौड़ कर कोल्ड ड्रिंक सर्व करने की क्या जरूरत है? ये इतने सारे बैरे यहां किस लिए हैं? फिर मुझसे बोला, बुआ जी इसमें तो जरा भी अक्ल नहीं है, आप जरा सा इसे समझाइए, और इस उजड़ गवारों को तो देखिए कैसे आंख फाड़ फाड़ कर घूर रहे हैं, जैसे लड़की पहली बार देख रही हूं। मेरा बस चले तो किसी को उनके सामने ही न पड़ने दूं। और सचमुच उसने ऐसा ही किया। दिव्या को बुरा तो लगा होगा, पर वह आलोक की अवज्ञा नहीं कर सकी। यह उम्र ऐसी ही होती है, हम जिसे चाहते हैं उसकी हर बात सिर माथे लेते हैं। दिव्या उम्र के उसी मोड़ पर थी, आलोक उससे 4-5 साल बड़ा था, इसी नाते उसे हिदायतें भी दे रहा था, उसकी हिफाजत भी कर रहा था। मैं परेशान हो उठी थी, मैंने जिस सच को 4 दिन में पकड़ लिया था
क्या भैया भाभी उससे अनजान होंगे, या कि उनकी नजरों में दिव्या अब भी बेबी ही थी, या कि फिर यह मेरा ही भ्रम था। चित्रा छाया से 3 साल छोटी थी। 3 साल बाद उसकी भी शादी का नंबर आ गया। एमएससी में टॉप करके चित्रा उन दिनों आसमान में उड़ रही थी, आईएएस बनने के ख्वाब देख रही थी। भैया ने अपनी लाडली के लिए आईएएस दूल्हा ही ढूंढ लिया। मैं और पम्मी तो छाया की शादी के ठाट देखकर ही दंग रह गए थे, पर चित्रा की शादी देखकर लगा कि वह ठाठ वाट तो कुछ भी नहीं था। इस बार घरातियों के लिए एक शानदार बंगला किराए पर लिया गया था। बारातियों का इंतजाम भी 3-स्टार होटल में था। दहेज का सामान देखकर तो आंखें चकाचौंध हो गई, सब कुछ इंपोर्टेड था। 30 तोला सोना और चांदी के बर्तनों का पूरा सेट। साड़ी कोई भी 2000 से कम नहीं होगी। पिछली बार की तरह इस बार भी हम विस्मय विमुग्ध थे। क्या सचमुच भैया की इतनी हैसियत है? लेकिन इस शाही सरंजाम के बावजूद बारातियों के मिजाज नहीं मिल रहे थे। बार बार शिकायतें आ रही थी। रूम सर्विस ठीक नहीं है, एसी काम नहीं कर रहा, कमरों में कलर टीवी नहीं है, फोन पर एसटीडी सुविधा नहीं है। भैया बार बार फोन पर गिड़गिड़ाए जा रहे थे। सर मैंने तो इस शहर का सबसे पॉश होटल आपके लिए बुक करवाया है, इससे अधिक मैं क्या कर सकता हूं। अपने धीर गंभीर विद्वान और रोब दाब वाले भाई को इस तरह गिड़गिड़ाते देखना बड़ा बुरा लग रहा था। उधर होटल वाले बारातियों की बदतमीजियों की शिकायत किए जा रहे थे। भैया अजीब पशुपेश में थे। उन लोगों की बदतमीजी का प्रमाण तो द्वाराचार के समय ही मिल गया। नाश्ते नाश्ते 3 घंटे तो उन लोगों ने रास्ते में ही लगा दिए। भैया के सारे गण्यमान्य अतिथि भाभी के हाथ में लिफाफा थमाकर बिना खाए पिए ही चले गए। अपनी बेटी के लिए भैया ने हीरे जैसा दामाद ढूंढा था, पर उसका प्रदर्शन करने की तमन्ना अधूरी ही रह गई। बाद में लगा कि अच्छा ही हुआ जो सब लोग जल्दी चले गए। बाद का नजारा जरा भी देखने लायक नहीं था। सब लोग खासकर लड़के नशे में धुत थे। वे लोग असली गाने गा रहे थे, भद्दी फब्तियां कस रहे थे। वे लोग कोल्ड ड्रिंक से होली खेल रहे थे, ग्लासों को फुटबॉल की तरह लुढ़का रहे थे। 1-2 वेटरों के साथ तो झुमा झटकी भी हो गई। सजे सवरे पंडाल का उन्होंने पल भर में नक्शा बदल दिया। कटरर के साथ बदसलूकी की तो वह जाने की धमकी देने लगा। अब भैया कभी उसके हाथ जोड़ रहे थे तो कभी उन लड़कों के। मेरा तो खून खौल उठा था। बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर जब्त किए रही, ऐसा न हो कि अपनी वजह से रंग में भंग हो जाए। उधर भाभी बार बार आंसू पहुंचते हुए अपने भाग्य को कोस रही थी। काश एक बेटा होता तो आज बाप के साथ खड़ा तो होता। वहां जो एक सुपुत्र थे, यानी कि सन इन लॉ प्रोफेसर जितेंद्र, बड़ी ही निर्लिप्त भाव से सारा तमाशा देख रहे थे। मौका पाते ही उन्होंने हंसते हुए कहा, बाबूजी देख रही है ना, अब इन्हें पता चलेगा कि बारातियों के नखरे क्या होते हैं। हमारा तो गवाई गांव का परिवार था, उसे धर्मशाला में टिका दिया, 5 मिठाइयों वाली पंगत दे दी, छुट्टी पा गए। हमारा तो खैर कोई सवाल ही नहीं था, हम तो लिहाज में ही मारे गए। पापा जी को अब आनंद आ रहा होगा। पापा जी की फजीहत का सबसे ज्यादा आनंद तो खुद जितेंद्र ही उठा रहे थे। सब कुछ देखकर उन्हें बड़ा आसुरी संतोष मिल रहा था। मुझे तो छाया पर तरस आ रहा था। दीन दुनिया से बेखबर, बस अपनी छुटकी में ही मग्न थी। एक गोद में एक पेट में दोनों बच्चे ने उसे हलकान कर रखा था। दूसरों की ओर ध्यान देने का उसे अवकाश ही नहीं था। सबसे ज्यादा ताव तो मुझे चित्रा पर आ रहा था। महंगा ब्राइडल मेकअप करवाकर ऐसे तनी बैठी थी मानो विश्व सुंदरी का खिताब जीत लिया हो। लड़के पापा का अपमान कर रहे थे, मखोल उड़ा रहे थे, बेवजह फरमाई से कर रहे थे। उसे जैसे किसी चीज से सरोकार ही नहीं था। स्टेज पर बैठी मंद मंद मुस्कुरा रही थी, अपने नए लवेले पति से बतिया रही थी।